कक्षा 11वीं गणित गणितीय आगमन का सिद्धांत एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा में आता ही है। तो देखिए, इसका पहला सवाल है 1 + 3 + 5 + 2n - 1 = n2। इसको क्या करना है, गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करना है कि दिया गया कथन n के सभी धन पूर्णांक मानों के लिए सत्य है। तो प्रोसेस को समझेंगे, इससे रिलेटेड बहुत सारा सवाल आप बना सकते हैं। सबसे पहले इसको हल करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे n बराबर 1 के लिए, ऐसे लिखेंगे n बराबर 1 के लिए कथन का, देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये क्या है, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड और ये वाला राइट हैंड साइड है, ये जो n स्क्वायर है ये क्या है, अगर हिंदी में लिखेंगे तो इधर वाला ये बायां पक्ष है और ये क्या है, दायां पक्ष है। तो आप जैसा लिखना चाहे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लेना है LHS, यहाँ पर लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो इसको लेना है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो इसको लेंगे ये वाला 2n - 1। तो जैसे 2n - 1 है तो अब आपको n के बदले क्या लिखना है, 1 लिखना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है 2, n के बदले 1, ये हो गया 2 + 2 - 1, तो 2 में से 1 कितना आया, 1, लेफ्ट हैंड साइड में आया। अब राइट हैंड साइड में क्या है, n स्क्वायर है, इसको लेंगे r h s, तो r h s में क्या है, n स्क्वायर, तो n के बदले 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, 1 दूनी 2 नहीं करना है, 1 एकम 1 ही होता है, ये दोनों हमेशा एक जैसे आना चाहिए, कौन कौन, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, तो दोनों में एक एक आ गया, मतलब क्या हो गया, n बराबर 1 के लिए दिया गया कथन सत्य है। लिख देंगे दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। पहला कंडीशन हो गया, दूसरा कंडीशन इसमें लिखना है आपको, अब यहां पर लिखना है n बराबर n के लिए लिखना है, माना ये हो जाएगा आपका n बराबर m के लिए कथन। अब n बराबर m लेना है तो यहां पर इसको इस प्रकार लिखना है आपको pm, आप प्रोसेस पे ध्यान दें, फिर जो प्रश्न है उसी को लिखना है, प्रश्न क्या है 1 + 3 + 5 + 2n है तो उसको 2m कर देना है -1m2। कहने का मतलब जो n है उसके बदले आपको m लिखना है, किसमें, जो प्रश्न है उसमें, ये प्रश्न है आपका तो इसी में इसको पूरा वैसे लिखा हूँ, n के बदले m लिखना है 2m - 1 होगा, n के बदले m लिखना है तो m का स्क्वायर होगा, ये हो गया आपका कितना, इसे मुझे को लिखना है, फिर यहाँ पर लिख देना है आपको सत्य है, लिख देना है बस, इसमें इतना ही करना है। फिर तीसरा लिखना है n बराबर, अब आपको लेना है m + 1, अभी m लिए ना, अब लेना है m + 1, तो यहाँ पर लिखना है ये हो जाएगा n बराबर क्या लेंगे, m + 1 लेंगे, ये हो जाएगा n = m + 1, ये हो जाएगा pm + 1 बराबर लिखेंगे, जो प्रश्न उसी लिखेंगे 1 + 3 + 5 + ... ये हो जाएगा +2m - 1। अब यहाँ पर आप समझेंगे m + 1 वाले में, देखिए यहाँ तक था ये लेफ्ट हैंड साइड है, किसमें, m वाले में, ठीक है 2m - 1 यहाँ तक तो बनाए थे, अब m + 1 कैसे करना है, तो याद रखिए जो ये 2m - 1 है इसी में ध्यान देंगे ना, ये हो जाएगा जैसे प्रश्न में क्या था, प्रश्न में ऐसे था 1 + 3 + 5, यहाँ पर कितना था 2n - 1, तो यहाँ पर आप n के बदले क्या लिखेंगे, m + 1 लिखेंगे, ध्यान से देखिए n के बदले क्या लिखना है m + 1, यहाँ पर -1 पहले से है इसको सॉल्व करेंगे, देखिए
टू एम गुणा हो जाएगा, दो एकम दो माइनस एक, फिर टू एम हो गया, ये घटेगा दो में से के एक, दो बढ़े इसलिए प्लस, तो क्या आया टू एम प्लस वन। तो इसे टू एम प्लस वन को आपको यहाँ लिखना है, इसको तो यहीं तक लिखना है, यहाँ एक्स्ट्रा में आपको क्या लिखना पड़ेगा प्लस, ये हो जाएगा आपका टू एम प्लस वन, क्लियर हुआ। अब यहाँ पर इसको छोड़ देना है, आगे देखिए ये हो गया, यहाँ से देखेंगे। अब इसमें आपको फार्मूला लगाना है, कौन सा फार्मूला लगाना है, एस एन वाला, चूँकि एस एन बराबर होता है एन बाई टू कोष्टक टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, कक्षा दसवीं गणित में है एन पदों का योगफल वाला। याद रखेंगे एन के बदले आपको क्या लिखना है एम प्लस वन, ए के बदले क्या लिखना है एक, और डी के बदले क्या लिखना है तीन में से एक घटाएंगे तो कितना आएगा दो। ध्यान देंगे ए बराबर एक, डी बराबर तीन माइनस एक बराबर कितना हो गया दो, और एन बराबर लिखेंगे एम प्लस वन, इस फार्मूला में आपको लिखना है। ये हो जाएगा यहाँ से बराबर, ये फार्मूले में रखना है एन के बदले लिखना है एम प्लस वन, नीचे में दो पहले से है टू, ए के बदले लिखना है एक, एन के बदले लिखना है एम प्लस वन माइनस वन पहले से है, और डी के बदले लिखना है दो, क्लियर हुआ। फार्मूला पे आपको ध्यान देना है, ये हो गया आपका, देखिए एम प्लस वन बटे दो वैसा ही रहेगा, ये दो एकम दो, प्लस वन माइनस वन कट गया, यहाँ पर एम बचा और यहाँ पर टू बचा, टू और एम का गुणा करेंगे तो टू एम। अब यहाँ से देखिए दोनों में कॉमन क्या है दो, तो जो एक जैसे वो कॉमन निकल जाता है, ये एम प्लस वन बटे दो हो गया, ये दो कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पर आपका एक बचेगा और यहाँ पर आपका क्या बचेगा एम बचेगा, तो दो से दो कट गया, तो ये हो गया आपका एम प्लस वन, ये वन प्लस एम है, इसको भी आप क्या लिख सकते हैं एम प्लस वन, आगे पीछे लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखेंगे तो ये क्या हो गया आपका एम प्लस वन पूरे घात दो हो गया, एक जैसे इसलिए घात दो लिख सकते हैं, तो ये क्या था पी एम प्लस वन का मान। तो लास्ट में आपको लिख देना है क्या हुआ, देखिए एम प्लस वन हमको प्रश्न क्या था लास्ट में एन स्क्वायर था ना, तो आखिर एन बराबर हमने एम प्लस वन माना। देखिए प्रश्न भी ध्यान दीजिए एन स्क्वायर है ना, तो एन स्क्वायर मतलब एन बराबर हमने एम प्लस वन माना, तो एम प्लस वन का होल स्क्वायर आ गया, मतलब ये सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार ये सिद्ध हो गया क्योंकि जैसे एम प्लस वन का होल स्क्वायर आया है तो हमने एम प्लस वन बराबर एन माना, तो एन का स्क्वायर यही हमको लाना था। तो यहाँ पर लास्ट में इसको लिख देना है, इस प्रकार दिया गया कथन, इस प्रकार दिया गया कथन एन बराबर एम प्लस वन के लिए सत्य है। तो लास्ट में लिखेंगे अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से, गणितीय आगमन सिद्धांत से दिया हुआ कथन एन बराबर, दिया हुआ कथन एन के सभी धन पूर्णांक मानों के लिए सत्य है। अरे यही सिद्ध करना था, देखिए इसका पांचवा सवाल है, दूसरा तीसरा चौथा ऐसे ही बनेगा, पांचवा भी सेम है। तो ध्यान देंगे इसमें लिखा है एक्स प्लस फोर एक्स प्लस सेवन एक्स डॉट डॉट प्लस थ्री एन माइनस टू एक्स बराबर एन बाई टू थ्री एन माइनस वन एक्स। तो एन पदों का योगफल इसमें भी लगेगा, हमेशा ध्यान देंगे दूसरा से पहला को घटाएंगे तीसरा से दूसरा को घटाएंगे तो वो एक जैसे आएगा, समांतर श्रेणी बन जाता है, इसीलिए पदों का योगफल लगता है। जैसे चार एक्स में से एक एक घटाएंगे तीन एक्स होगा, सात एक्स में से चार एक्स घटाएंगे तीन एक्स होगा। जब पदों का समांतर समान होता है तब उसमें पदों का योगफल का फॉर्मूला लगाना है। ध्यान देखिए इसमें भी क्या लिखना है, एन बराबर एक के लिए दिए गए कथन का,
इन बराबर एक के लिए हो जाएगा आपका कथन का। लेंगे किसको? लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ये हो जाएगा आपका एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड इसको लेना है ये वाले, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 3n-2x, तो एन के बदले आपको एक लिखना है। ये हो जाएगा ये 3n के बदले एक लिखेंगे माइनस टू, और ये हो गया x, तो तीन एकम तीन माइनस दो x, तीन में से दो गया एक, और ये x, तो एक से कम x, कितना आया x। अब इतना ही हमको राइट हैंड साइड में लाना है, तो r h s, तो ये वाला क्या है आपका राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ये n बाई टू 3n-1x, तो n के बदले लिखना है एक, तो एक बटे दो, ये हो गया 3n के बदले एक माइनस वन एक्स, ये हो गया आपका एक बटे दो, तीन एकम तीन माइनस एक एक्स, तीन में से एक गया दो, और ये क्या हो गया आपका x, तो दो से दो कट गया, एक से कम x, तो दोनों साइड x आया, देखिए इसमें भी x आ गया उसमें भी x आ गया, मतलब दोनों एक जैसे होना चाहिए, तो लिख देंगे दोनों एक जैसे आ गए, इसलिए क्या हो गया दिया गया कथन n बराबर एक के लिए सत्य है। ये हो गया दिया गया कथन, अतः दिया गया कथन n बराबर एक के लिए सत्य है। अब n बराबर m लेना है, ध्यान रखेंगे माना n बराबर m के लिए कथन, तो जो प्रश्न है उसी को लिखना है, ऐसे pm करके लिखना है आपको, तो क्या हो जाएगा आपका प्रश्न क्या दिया था, जो प्रश्न है आपका x प्लस 4x प्लस 7x प्लस डॉट 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 प्लस क्या दिया है 3n के बदले m लिखना है 3m-2x बराबर, ये हो जाएगा आपका 1/2 m कोष्टक में 3m-1x। जो प्रश्न है उसमें आपको n के बदले m लिख, यहाँ पर देखिए इसी को लिखा हूँ, n के बदले क्या लिखा हूँ m, तो 3m-2x हो गया, यहाँ n के बदले m तो m बटे 2 हो गया, n के बदले m तो 3m-1x। अब आगे से सॉल्व करेंगे, ये क्या हो गया इसके लिए क्या है सत्य है, ऐसे लिख देंगे ये सत्य है, बस इतना इसमें लिखना रहता है, n के बदले m बस लिखना है। अब क्या लेना है n बराबर लेना है m प्लस 1, क्लियर इतना, तो n बराबर m प्लस 1 लेंगे, तो बताया था यहाँ पर लिखना है p m प्लस 1, तो जो प्रश्न है उसी पर लिखना है x प्लस 4x प्लस 7x, फिर हो जाएगा प्लस डॉट डॉट डॉट, ये प्लस ये 3m-2x इसको तो लिखना ही है x। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे इसको तो पूरा लिख लिए, अब क्या करना है जो यहीं पर देखिए यहाँ यहाँ तक लिखना है, इसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान देना है जो यहाँ पर लिखा है, देखिए 3n-2x इसी पर ध्यान देना है ना, 3n-2x, तो ये हो जाएगा आपका जैसे ये लिखा है 3n-2x ये लिखा है, तो आपको n के बदले m प्लस 1 लिखना है, n के बदले क्या लिखना है m प्लस 1, तो कोष्टक हो जाएगा m प्लस 1 माइनस 2 वैसा ही रहेगा, x वैसा ही रहेगा, तो 3 को गुणा m में करेंगे 3m, 3 एकम 3 माइनस 2 वैसा ही रहेगा, x वैसा ही रहेगा, तो 3m हो गया, अब 3 में से 2 घटाए 1, 3 बड़ा इसलिए प्लस, तो 3m+1x, इसी को क्या करना है उसमें ऐड करना रहता है, जोड़ना रहता है, तो 3m+1x को इसमें जोड़ देंगे, हमेशा ध्यान देंगे प्रश्न के इसी में ध्यान देना है, n के बदले m प्लस 1 रखना है, ये हो गया, तो यहाँ तक तो लिख लिए थे, यहाँ प्लस ऐड क्या करने हैं आपको 3m+1x इसमें ऐड कर देना है, जोड़ना है इसको, बाकी इधर को छोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ से इसमें फार्मूला लगाना है, कौन सा Sn वाला, तो ये हो जाएगा आपका Sn बराबर n/2 कोष्ठक
टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। यहां से देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर एक्स, डी बराबर हो जाएगा दूसरा से पहला घटाते हैं तो चार एक्स माइनस एक्स, तो चार में से एक गया तीन एक्स, और एन बराबर लिखना है एन प्लस वन। अब इस फार्मूले में रख देना है, इस फार्मूला में रखना है, ये हो जाएगा आपका बराबर एन के बदले लिखना है एन प्लस वन बटा दो हो गया, फिर टू ए के बदले लिखना है एक्स, एन के बदले लिखना है एम प्लस वन माइनस वन पहले से है, और डी के बदले लिखना है थ्री एक्स। तो प्लस वन माइनस वन कट गया, ये हो गया आपका एम प्लस वन बटा दो, ये टू एक्स हो गया, थ्री एक्स है और यहाँ पर एम है तो गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, ये थ्री एम एक्स या थ्री एक्स एम, ये हो जाएगा आपका थ्री कितना हो गया थ्री एम एक्स। अब क्या करना है, यहाँ ये एम प्लस वन बाई टू ऐसा ही रहेगा, क्या करना है इसको आप टू एक्स को आप लिख सकते हैं थ्री एक्स माइनस एक्स, तीन में से गया दो एक्स, ये हो गया आपका थ्री एम एक्स। फिर यहाँ से इसको लिखना है एम प्लस वन बाई टू, इन दोनों में आपको ध्यान देना है, यहाँ से देखिए ये हो जाएगा आपका 3x और 3mx में देखेंगे तो आपका कॉमन क्या निकलेगा, 3x कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3x, यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर आपको क्या बचेगा m, ये माइनस एक्स को अलग कर देंगे, समझ में, माइनस एक्स को अलग करना है, 3x को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1, और यहाँ पर आपका 3x गया तो क्या बचा m। फिर इसके बाद क्या करना है, ये हो गया m प्लस 1 बाई 2 हो गया, यहाँ देखिए इसमें x है और इसमें x है x को हम कॉमन निकाल देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे x को कॉमन निकाल दिया, यहाँ पर बचेगा तीन, ये बचा वन प्लस एम और इतना हो गया x को, और यहाँ पर बचा माइनस वन, तो ये x को पूरे का कॉमन निकाल दिया, मैं इधर लिख दिया तो ये कॉमन निकाल दिया तो यहाँ तीन बचा, ये वन प्लस एम बचा और यहाँ पर क्या बचा एक बचा, x का गुणा करेंगे तो एक से कम x, x का गुणा यहाँ पर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, बात समझ में। अब ऐसा क्यों कि ये प्रश्न टाइप का बन गया, देखिए यहाँ से ये हो गया m प्लस वन बाई टू, ये थ्री हो गया, ये वन प्लस एम है, इसको m प्लस वन लिख सकते हैं आगे पीछे माइनस वन x। अब देखिए ये प्रश्न बन गया, प्रश्न कैसे बना, जैसे हम इसको मानेंगे m प्लस वन को n, तो ये ऐसे हो जाएगा, ध्यान से देखिए ये हो जाएगा आपका m प्लस वन को अगर मानेंगे क्या, m प्लस वन को n मानते हैं तो क्या हो जाएगा n बटे दो, तीन का तीन, एम प्लस वन को क्या मानेंगे एन, फिर माइनस वन एक्स, और यही क्या है प्रश्न है, हमको प्रश्न टाइप का लाना है जो राइट हैंड साइड में है। अब राइट हैंड साइड देखिए इसका राइट हैंड साइड क्या लिखा है, एन बटे दो कोष्टक थ्री एन माइनस वन एक्स, यही चीज आ गया, तो लास्ट में जो सॉल्व आएगा जो हल करेंगे उसमें आप एम प्लस वन के बदले एन रखेंगे तो ये जो राइट हैंड साइड में है वो आ जाएगा, और ऐसा आना चाहिए तभी क्या होगा सही रहेगा, क्लियर। तो इस प्रकार ये आ गया, अब लास्ट में लिख देना है n बराबर m प्लस वन के लिए दिया गया कथन सत्य है, तो लिख देंगे अतः n बराबर m प्लस वन के लिए दिया गया कथन सत्य है, दिया गया कथन सत्य है। फिर लास्ट में लिख देंगे इस प्रकार जो पहले में लिखे थे, एन के सभी धन पूर्णांक मानों के लिए दिया गया कथन सत्य है, ऐसा लिख देंगे इस प्रकार, एन के सभी धन पूर्णांक मानों के लिए दिया गया कथन सत्य है। यही सिद्ध करना था।